आज हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 3 शुरुआत करने वाले हैं। लेक्चर नंबर है 16, कॉन्सेप्ट और मीनिंग ऑफ प्लांट लेआउट देखेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी भाषा दोनों में देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट लेआउट समझेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ प्लांट लेआउट दोनों देखेंगे और ये सेशन को करेंगे एंड, ठीक है ना। चलते हैं, सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट लेआउट। समझो प्लांट लेआउट होता क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट लेआउट में भी डिस्क्राइब एज फॉलो। यहाँ पर बोल रहा है पहला, प्लांट लेआउट इज प्लान। प्लांट लेआउट क्या है? प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है सर? प्लांट लेआउट एक प्लान होता है ताकि एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सके ऑफ फैसिलिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है सर? फैसिलिटी देना पड़ता है एक, ताकि वो इफेक्टिव यूटिलाइज हो सके। जैसे सर अगर कोई भी बिस्किट मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कोई भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसमें एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए मोस्ट इफिशियंट और इकोनॉमिकल अरेंजमेंट ताकि वह मैन्युफैक्चर हो सके। मशीन की ज़रूरत होगी, मटेरियल की ज़रूरत होगी, पर्सोनल की ज़रूरत होगी, स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत होगी एंड ऑल सपोर्टिंग सर्विस जो भी ज़रूरी है, चाहे लेबर हो, चाहे मनी हो, चाहे मटेरियल हो, विद इन अवेलेबल फ्लोर स्पेस। जो भी फ्लोर स्पेस है वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, तब जाकर वो क्या होगा सर? तब जाकर वो मैन्युफैक्चर होगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, मोर डिफाइंड प्लांट लेआउट का भी और भी बहुत सारा डिफाइन किया गया है। प्लांट लेआउट एक प्लान है, ऑप्टिमम अरेंजमेंट फॉर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग पर्सोनल इक्विपमेंट, स्टोरेज स्पेस, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड ऑल अदर सपोर्टिंग सर्विस अलॉन्ग विद द डिसीजन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर टू कंटेन ऑल दीज फैसिलिटी। मान के चलो कि सर कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो इतने भी चीज़ें की आवश्यकता होती है, जो भी फैसिलिटी होता है उसको हम लोग को पूरा करना पड़ता है, चाहे वो इक्विपमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो स्टोरेज स्पेस हो, चाहे वो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हो, जितने भी सपोर्टिंग मटेरियल है, जितने भी सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स है वो सब हम लोग को ज़रूरत होता है। समझ रहे बात को? चलिए कुछ पॉइंट देखते हैं, दो पॉइंट हैं। प्लांट लेआउट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो प्लांट लेआउट होता है वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर का होता है। कॉम्प्लेक्स इन नेचर, प्लांट लेआउट कॉम्प्लेक्स इन नेचर मतलब क्या हुआ? इट इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू सच फील्ड। ये इन्वॉल्व करता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक एंड बिजनेस मैनेजमेंट। प्लांट लेआउट कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है क्योंकि ये बहुत चीज़ इन्वॉल्व करता है अलग अलग फील्ड में, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक और बिजनेस मैनेजमेंट हो। दूसरा, मोस्ट ऑफ द मैनेजर नाउ रिलीज डैट आफ्टर द साइट ऑफ प्लांट लोकेशन इज सिलेक्टेड इट इज बेटर टू डेवलप द लेआउट एंड बिल्ड द बिल्डिंग अराउंड इट। बहुत सारे जो मैनेजर होते हैं वो रिलीज क्या करते हैं कि आफ्टर द साइट ऑफ प्लांट लोकेशन सिलेक्टेड, पहले हम क्या करते हैं कि साइट लोकेट कर लेते हैं। साइट को क्या कर लेते हैं सर? साइट को लोकेट कर लेते हैं कि इस साइट पर हम बनाएंगे, समझ गए? तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाता है कि वहाँ पर हम लोग डेवलप लेआउट बनाते हैं एंड बिल्ड करते हैं बिल्डिंग को, तब जाकर वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग बिल्ड करते हैं बिल्डिंग को, क्या करते हैं बिल्डिंग को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, रेदर देन टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर? सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग प्लांट का लोकेशन ढूंढते हैं कि आखिर कहाँ पर प्लांट बैठाना है, कहाँ पर प्लांट बैठाना है। तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता है कि सबसे पहले हम प्लांट को देखते हैं कि लोकेट करते हैं, उसके बाद हम लेआउट को डेवलप करते हैं और उसके बाद हम लोग बिल्ड करते हैं, ना कि सीधा बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो लेआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लांट के लेआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले कंस्ट्रक्ट करने से पहले क्या करना पड़ता है, हम लोगों को लोकेशन ट्रैक करना पड़ता है कि किस लोकेशन पर हम क्या बनाए बिल्डिंग को बनाना है, उसके बाद डेवलप करना पड़ता है लेआउट को और बिल्ड करना पड़ता है। तो वही प्लांट लेआउट भी यही चीज़ होता है। प्लांट लेआउट एक कोड भी होता है जहाँ पर एक प्लान होता है जो कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए होता है। कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या होना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ लगते हैं, मैन मटेरियल, मशीन, इक्विपमेंट, पर्सोनल, स्टोरेज स्पेस, ये सब को मेंटेन करना, ये सब की एबिलिटी को देखना, अरेंजमेंट करना, दैट इज कॉल्ड प्लांट लेआउट। थैंक यू सो मच। हिंदी मीडियम में देखते हैं प्लांट लेआउट की अवधारणा। प्लांट लेआउट की अवधारणा इस प्रकार वर्णित किया गया है, प्लांट लेआउट उत्पादनों के निर्माण के लिए सुविधाओं के
प्रभावी उपयोग की एक योजना है। उपलब्ध फर्श स्थान के भीतर मशीन सामग्रियां, कर्मियां, भंडारण स्थान और सभी सहायक सेवाओं की सबसे कुशल और किफ़ायती व्यवस्था शामिल है। अधिक प्लांट लेआउट को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। प्लांट लेआउट इन सुविधाओं को समाहित करने के लिए सर्वोत्तम संरचना के निर्माण के साथ साथ कर्मियों, उपकरणों, भंडारण स्थान, सामग्री प्रबंधन उपकरण और अन्य सभी सहायक सेवाओं सहित सुविधाओं को इष्टतम व्यवस्था की एक योजना है। टिप्पणी के बिंदु हैं कुछ, दो बिंदु जैसे था मैंने बताया था, दो पॉइंट। पहला, संयंत्र लेआउट प्रकृति में बहुत जटिल है क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग, वास्तुकला, अर्थशास्त्र और व्यवसाय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से संबंधित अवधारणाएं शामिल हैं। दूसरा, अधिकांश प्रबंधकों को अब यह एहसास हो गया है कि संयंत्र स्थान मतलब जो प्लांट का जो लेआउट होता है कि स्थान का चयन हो जाने के बाद लेआउट विकसित करना और उसके चारों ओर भवन बनाना बेहतर है, बजाय इसके कि पहले भवन का निर्माण किया जाए और फिर लेआउट को इसमें फिट करने का प्रयास किया जाए। तो समझे मेरे बात, अभी भी समझ नहीं आया एक बार बता देते हैं। मान के चलिए कि आपको ये सामान इस तरीके का सामान है, इस सामान को आपको एक बिल्डिंग बटन है, तो क्या करोगे सर, पहले आप देख लो कि ये जो सामान है इसका एरिया कितना है, ये रखने का जगह कितना है, पहले वो देखोगे कि पहले बिल्डिंग बना लोगे तब देखा जाएगा रखने का। समझ रहे हैं बात को, कि सर पहले सामान को रखने का जगह हम लेआउट बना लेंगे, यहाँ 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 रखेंगे। जैसे आज में जो आजकल जो घर बनते हैं वो कैसे बनता है कि सर यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर बाथरूम होगा, यहाँ ऐसे ऐसे होगा, उसके बाद बनाया जाता है कि पहले बना लिया जाएगा घर, उसके बाद फिर निकाला जाएगा कि यहाँ से किचन बनेगा यहाँ से, नहीं ना। तो पहले क्या बना लिया जाता है, पहले लेआउट तैयार कर लिया जाता है, यहाँ 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 ऐसे ऐसे रहेगा, उस हिसाब से बिल्डिंग को तैयार किया जाता है। तो यही बोल रहा है कि पहले मटेरियल मशीन को रखने का स्थान पहले बना लिया जाएगा, है ना, बता दिया जाएगा कि इतना इतना जगह है, उसके बाद ही उसको चारों ओर घर बना दिया जाएगा, ताकि जो रखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका हो, है ना, रखने का क्या हो, व्यवस्था सही से बन जाए। यही हुआ प्लांट लेआउट। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं मीनिंग प्लांट लेआउट किसको कहते हैं, व्हाट इज प्लांट लेआउट, इंग्लिश मीडियम देखेंगे और हिंदी मीडियम में देखेंगे। आई होप दोस्तों समझ गए प्लांट लेआउट क्या होता है। प्लांट लेआउट इज ए सिंपली मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व नॉलेज ऑफ द फिजिकल अरेंजमेंट करना ऑफ एवरी कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस के सभी कंपोनेंट को फिजिकली अरेंज करना फॉर द फैसिलिटी टू एडिशनल स्पेस ऑफ इफिशियंसी ऑफ मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट रिडक्शन, ताकि मैन्युफैक्चरिंग हो सके वो भी साथ साथ कॉस्ट रिडक्शन भी हो सके, कॉस्ट कम से कम लगे, टू कंटिन्यूस एंड स्टेडी मूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। जो प्रोजेक्शन साइकिल है ना, प्रोडक्शन साइकिल है वो क्या चले, वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से चले। तो जो प्रोडक्शन साइकिल है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से चले। समझ रहे बात को। चलिए, दिस अरेंजमेंट इंक्लूड द स्पेस नीडेड फॉर मटेरियल मूवमेंट, स्टोरेज, इनडायरेक्ट लेवल एंड ऑल अदर सपोर्टिंग एक्टिविटी और सर्विस। ये जो अरेंजमेंट है ये इंक्लूड क्या क्या करता है, जितने भी नीडेड होते हैं, चाहे मटेरियल मूवमेंट रखने का जगह, स्टोरेज करने का जगह, इनडायरेक्ट लेबर का जगह और सपोर्टिंग एक्टिविटी को अरेंज करने का जगह, ये बतलाता है हमें प्लांट लेआउट। आगे बोलता है, प्लांट लेआउट इज ए मास्टर ब्लूप्रिंट होता है जो कि प्रोवाइड करता है मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, मैन पावर, मटेरियल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल ऑपरेशन परफॉर्म इनसाइड द फैक्ट्री के अंदर। जो भी काम हो रहा है, चाहे वो मशीन हो रहा है, चाहे मैन पावर से हो रहा है, चाहे मटेरियल से हो रहा है, उसके प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। ये है प्लांट लेआउट का काम। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं हिंदी मीडियम में प्लांट लेआउट क्या है। सर प्लांट लेआउट क्या है हिंदी में देखते हैं। प्लांट लेआउट बस एक तंत्र है जिसमें उत्पादन चक्र की निरंतर और स्थिर गति के विनिर्माण लागत में कमी के लिए अतिरिक्त स्थान, दक्षता की सुविधाएं के लिए उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक घटक की भौतिक व्यवस्था का ज्ञान शामिल है। इस व्यवस्था में सामग्री की आवाजाही, भंडारण, अप्रत्यक्ष श्रम और अन्य सभी सहायक गतिविधियों या सेवाओं के लिए आवश्यक स्थान शामिल है। उसके बाद क्या बोल रहा है सर, प्लांट लेआउट एक मास्टर ब्लूप्रिंट है जो समग्र उत्पादकता बढ़ाने के लिए कारखाने के अंदर किए गए सभी कार्यों के समन्वय के लिए मशीन, जनशक्ति, सामग्री का सबसे प्रभावी उपयोग प्रदान करता है। तो ये दोस्तों प्लांट लेआउट हो गया। बता दिया कि प्लांट लेआउट क्या होता है, जितनी भी प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ, समझो बात को अगर नहीं समझे हो अभी भी, जितने भी प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ
कोई भी मटेरियल हो, कोई भी मशीन हो, भंडारण हो, अप्रत्यक्ष श्रम हो, उसको सही से उसकी सही व्यवस्था कराता है किस तरीके से रखना है, साथ साथ उसका जो यूटिलिटी है वो भी बढ़ाता है, उसके प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, कॉस्ट को कम करता है, तो इतना सब कुछ करता है अपना प्लांट लोड। प्लांट लोड ये भी बताता है कि कंस्ट्रक्शन करने से पहले क्या करो, पहले लेआउट बना लो कि ये सामान इससे इसे 10 सामान रखाएंगे, तो हम इससे पता लगा सकेंगे कि जो हमारा एरिया होगा, जो हमारा बिल्डिंग का एरिया होगा वो इतना रखना पड़ेगा, बजाय कि पहले कंस्ट्रक्शन कर लो और उसके बाद ये सब करो। तो ये बताता है हमें लेआउट। थैंक यू सो मच, अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, बहुत सिंपल सा है, मेन देख लीजिएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत बढ़िया से उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका इंपॉर्टेंस है, जो भी आगे में टॉपिक होगा वो बताएंगे। इसका PDF मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो लिंक है ना सर वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाओ टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और ये PDF आप बिल्कुल मुफ्त में आपको प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू सो मच।